प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभातखबर.com। बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया है। दरअसल नीतीश कुमार की सरकार ने रविवार को कोरोना से बचाव को लेकर बड़ा फैसला लिया और लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लागू किया गया है। इसी बीच बिहार सरकार ने राज्य में एक महीने के लिए कोरोना लॉकडाउन को बढ़ाए जाने को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। लॉकडाउन बढ़ाए जाने के संबंध में गृह विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश में जिक्र है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 30 मई को एक दिशा निर्देश जारी किया है। बिहार सरकार ने विचार विमर्श के बाद गृह मंत्रालय के फैसले को राज्य में यथावत लागू और अनुपालन करने का फैसला लिया है। आदेश में राज्य सरकार के सभी विभागों और क्षेत्रीय प्रशासन के सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश के कड़ाई से पालन के निर्देश भी मिले हैं। खास बात यह है कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों में 8 जून से लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोलने की बात भी कही गई है। कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए देश में लागू लॉकडाउन को 30 जून तक के लिए बढ़ाया गया है। इस दौरान लॉकडाउन को धीरे धीरे हटाया जाएगा। इसका पहला चरण 8 जून से लागू होगा। इसके तहत 8 जून से मॉल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल खुल सकेंगे। गृह मंत्रालय ने संक्रमित इलाकों से बाहर के क्षेत्रों को फिर से खोलने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बताते चले कि बिहार में लॉकडाउन 3 की तुलना में लॉकडाउन 4 के दौरान कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दोगुनी से भी अधिक हो गई है। अब सरकार ने नए आदेश के जरिए 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। पूरी कोशिश है कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से पूरी तरह रोक दिया जाए। इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्रभातखबर.com। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।